दोस्तों, यदि हमने समय को पकड़ना सीख लिया, समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, यदि हमने समय का सही यूज कर लिया तो हम लाइफ में सफल हैं। यानी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में और इस पृथ्वी पर सबसे कीमती यदि कुछ है तो वो है टाइम, जो लौट कर नहीं आता। आज का दिन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस दिन को आज के जैसा जीना है और इसमें एक मिनट भी आपको बर्बाद नहीं करना है। हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास तिवारी। आज हम आपको बताने वाले हैं टाइम का बजट आप कैसे बनाओगे, टाइम को कैसे पता करोगे कि आप कहां समय अपना बर्बाद कर रहे हो, कहां बेमतलब का समय बर्बाद कर रहे हो। जब भी आप किसी व्यक्ति से पूछोगे कि आपका समय कहां खर्च कर रहे हो तो वो व्यक्ति बोलेगा, मैं अपना पूरा दिन एक काम करता हूं, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता। हर व्यक्ति का स्वभाव है, यदि उसे पता हो कि वो कोई काम गलत कर रहा है तो वो करेगा ही नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल आलस ना करते हुए कॉपी पेन लेना है और पर डे की दिनचर्या को उसमें लिखना है। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने दिन की दिनचर्या को उसमें लिखना बस है कि आप सुबह कितने बजे जागते हो, कितने मिनट नाश्ता किया, कितने मिनट नहाया, कितने मिनट खाना खाया, कितने मिनट कॉल से बात की, कितने मिनट मोबाइल चलाया। यानी सुबह जब आप जागे और रात को जब आप सोए तो उसका पूरा टाइम, एक भी मिनट आपका मिस नहीं होना चाहिए, एक एक मिनट उसमें लिखा होना चाहिए। कितने मिनट कॉल से बात की, कॉल रिकॉर्डिंग से निकाल के आप लिख सकते हो। आपको ये काम करना है बस 7 दिन। इसके बाद आपको संडे को पूरा एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है कि एक्चुअली में आपने अपना सबसे ज़्यादा टाइम किन कामों में दिया, क्या वो काम आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं या नहीं। मान लीजिए आपने मोबाइल 6 घंटे चलाया, तो क्या 6 घंटे मोबाइल में आपने कुछ काम किया है या फिर बेमतलब का एंटरटेनमेंट के लिए इतना ज़्यादा यूज किया। तो यहाँ से आपको चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअली में आपका समय आप किन कामों में दे रहे हो। मान लीजिए आप परिवार के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, टीवी ज़्यादा देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा बात कर रहे हो, यानी ऐसे काम जो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है वो आप कर रहे हो, तो वहाँ से आप जो समय निकाल सकते हो उनको निकालिए और ऐसे कामों में जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है, यानी आपको जो कुछ बना रहे हैं उन कामों में उस समय को डालिए, तो आपको क्या होगा, वहाँ से लाभ होगा। बेमतलब का टाइम खर्च करने से अच्छा है उन कामों में टाइम खर्च करिए जो आपको कुछ दे के जाएंगे। थैंक यू।